हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। पेनोलॉजी का जो बी एलएलबी का फिफ्थ ईयर का एंड एलएलबी थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन है। देखिए, हर बार की तरह इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं और आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। 80 के बाद आपको पेपर के बाद हमें एक अपना कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर इसमें अटेम्प्ट हुआ है। दूसरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप उसका कंटेंट हमें मेंशन करिएगा विद कमेंट, तो हम उसको अपनी वीडियो में चेंज कर देंगे या कमेंट सेशन में उसके कमेंट को पिन कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विधि की मूल भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित किया गया है? वो है 79 ए। डी इज द राइट आंसर। हु इज द अंडर मॉडर्न ऑफ द क्रिमिनोलॉजी? अंडर मॉडर्न लैम्ब्रुसको। ओके, लैम्ब्रुसो इसका सी आंसर है। देन द देखेंगे इन विच द फॉलोइंग ऑफ डिवाइन द राइट ऑफ द किंग ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ किंग अ पार्ट ऑफ प्री क्लासिकल स्कूल? ठीक है, हु आर द स्कूल ऑफ प्री क्लासिकल स्कूल? तो इसमें जो आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनु इज द फॉलोइंग विच स्कूल? तो ये हमने क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, ये क्वेश्चन डाउटेबल था। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड फ्री विल थ्योरी? फ्री विल थ्योरी आपका जो है बेकारिया। ओके, लैम्ब्रुसो वाज अ फिजिशियन। कौन से फिजिशियन से? इटालियन। ओके, ए पर्सन हु रिप्लेसेस इनटू द क्राइम ऑफ अगेंस्ट द अगेन इज नोन एज। एक व्यक्ति जो बार बार अपराध में पड़ जाता है के रूप में जाना जाता है, इसे कहेंगे पुनरावृत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपराधिक विस्तार की प्रकृति, विस्तार कारण और नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसका आंसर होगा ए। ओके, शब्द क्रिमिनोलॉजी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, इसका आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दर्द और खुशी का सिद्धांत जो दिया था वो था बेंथम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ अपराध का सिद्धांत किस बाद में स्थापित है? दुर्लभ से दुर्लभ जो है बी बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। कौन सा पीड़ित राज्य अपराध है, पीड़ित रहित अपराध है, सॉरी, ये है आपका वेश्यावृत्ति। ओके, इसमें नशीली दवाओं का विक्रय, समाज का नैतिकता, ये दो और इसके साथ हैं। जो खुद को आतंकवाद के कृत्यों में शामिल करता है वो कौन होता है? वो होता है टेररिस्ट, यानी कि आतंकवादी। आपराधिक मानव शास्त्र का सिद्धांत किसने दिया था? आपराधिक मानव शास्त्र का सिद्धांत दिया था लैम्ब्रुसो। ओके, अपराध के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? देखें, इसका आंसर होगा एन एक्ट, एक द्राश्य, यानी कि दोनों ही शामिल हैं। यह है डबल जियोपार्डी मीन्स। डबल जियोपार्डी मीन्स होता है नो वन, यानी किसी को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित करना। मैकनॉटन बात किससे संबंधित है? किससे है? यह इनिसिटी, यानी कि आप पागलपन से। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा पागलपन से संबंधित है? कौन सी धारा है? यह है सेक्शन 84। ओके, अपराध शास्त्र की हम बात करें तो अपराध शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? अपराध शास्त्र की विषय वस्तु अपराध और अपराधी दोनों ही हैं। शब्द आतंकवाद लैटिन किस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है क्या है? टेरर। क्या है? टेरर। यात्रा के दौरान किसी विमान या अन्य वाहन विशेष रूप से हिंसा का उपयोग कर अपने नियंत्रण में लेना है, इसका मतलब होता है हाईजैकिंग यानी अपहरण। ओके, परीक्षा और पैरोल क्या है? परीक्षा और पैरोल जो होता है वो इसका आंसर है डी। ओके, नशीली दवाइयां बनती हैं कारण उपयोग सभी। मैं इसका आंसर ही टिक कर दे रहा हूं, देन आप मैच कर लीजिएगा। ओके, 25 का जो आंसर है वो बी। ओके, 26 की हम बात करें, 26 का जो आंसर है वो सी है। 27 का जो आंसर है आपका वो है सी, सोशल वायलेंस, सामाजिक हिंसा। आपका 28 का जो आंसर है बी, 28 का जो आंसर है बी, 29 का जो आंसर है, 29 का जो आंसर है वो सी, 30 का जो आंसर है वो ए, 31 का आंसर है सी, आप देखेंगे 32 का जो आंसर है वो है सी, 33 का जो आंसर है पुलिस डायरी वाला 172 में ये ए है। ओके, अपराध की परिस्थिति की और अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया था, इसका आंसर है शॉ एंड मेके। इसका आंसर है बी, इसका आंसर है आपका सी, इसका आंसर है आपका सी। ओके, 38 का आंसर है आपका बी।
नेक्स्ट देखेंगे 39। 39 का जो आंसर है आपका वो है डी। 40 का जो आंसर है वो है डाउटेबल है, इसका आंसर डी नहीं सॉरी 40 का आंसर जो होगा वो होगा बी। 40 का आंसर होगा बी, 41 का आंसर होगा वो डी। ओके 42, 42 का आंसर है ए। 43, 43 का आंसर है डी। 44, 44 का आंसर है डी। 49, 45, 45 का है ए। 46, 46 का है बी। 47, 47 का है आपका सी। 48, 48 का है आपका आंसर डी। 49, 49 का है सी। 50, 50 का है बी। 51 सी, 51 सी। 52, 52 का होगा आपका डी। 53, 53 डाउटेबल ड्रॉप किया है। 54 देखेंगे, 54 का है 20। 55 का सी। 56 18वीं शताब्दी। 57 ड्रॉप किया है। 58, 58 है नशीले पदार्थों की तस्करी यानी सी। 59, 59 बी। 60, 60 बी। 61 बेकारिया। 62, 62 ये डाउटेबल है पर मैं बी की ओर जाऊंगा, आप देख लीजिएगा बी और डी में डाउट है मुझे। ओके 63 का बी। 64 ये फर्स्ट तीनों ही हैं, सजा का उद्देश्य, असक्षमता निवारण और सुधार, ये तीनों ही होते हैं पर इसमें का मुख्य शाखा नहीं है तो इसमें ये वाला जो है इसका ये है अपराध शास्त्र की को छोड़कर मुख्य शाखा है यानी कि उसको छोड़कर। तो इसमें देखो सशक्तता निवारण और सुधार ये तीनों ही होती हैं, भेदभाव नहीं होता। ओके डी होगा इसका आंसर। ओके इससे ऊपर वाला तो यानी कि भेदभाव इसमें जो है हमारा तीन होगा ए बी थ्री यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ओके सदरलैंड के सिद्धांत में है, सदरलैंड का सिद्धांत कौन सा है ये देखेंगे। 9 है इसका आंसर, पोस्टुलेट 9 पोस्टुलेट है। इसका आंसर होगा यूएसए अमेरिका। इसका आंसर होगा ए इंग्लैंड की तरह समान। इसका आंसर होगा प्राइवेट यानी कि निजी गलतियां। 69 की अगर हम बात करेंगे तो 69 हमारा होगा एक्सटर्नल बाहरी परिणाम। 70, 70 का देखेंगे ये देखो 70 का है लैटिन और 71 का है 1985। 72 का है सी अपराध सार। 73 को देखेंगे 73, 73 का है सी। 74, 74 का है ए। 75, 75 का है सी। देखिए राज्य सरकार लिखा है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है इसका, ठीक है। 76, 76 नार्को। ओके 77 बी वोट डालने का अधिकार नहीं होता बंदियों को, शिक्षा का अधिकार होता है और गमनागमन का अधिकार होता है यानी कि राइट टू मूवमेंट का होता है और ये है आपका राइट टू स्पीक यानी बोलने का अधिकार होता है। निम्न में से कौन सी रिट है, कौन सी रिट होगा ये जो है आपका परमादेश। ओके ये है गैर फेलो। दंड सिद्धांत कितने प्रकार का होता है। ओके ये जो है वो है फोर टाइप का होता है। यहाँ पर आपका ये जो है अपराध शास्त्र किसने गढ़ा ये होता है गैर फेलो। ओके जी ये फोर टाइप का होता है। भारत का पहला राज्य किसने खुले कारागार का आरंभ किया ये जो है किस राज्य ने किया था, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में किया था 1950 से लेकर 1960 में। बाद में 12 स्टेट में 22 जो है खुले कारागार खुले गए थे और जो 49 में जो है पहला खुला था यूपी में लखनऊ में उप कारागार। उप कारागार जो होता है लैम्ब्रोसो ने इसको खुला ये दिया था इसका उपचार और जो विचाराधीन कैदियों के लिए था। ओके आपराधिक मानव शास्त्र इसका जो आंसर है वो है अंडर ट्रायल प्रोसीजंस यानी कि ये विचाराधीन कैदियों के लिए और जो इसका है शारीरिक अर्थों के आपराधिक अपराधियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है इसका है दंड शास्त्र में, ठीक है। और ये जो है आपको देखेंगे ये शारीरिक अर्थों के लिए इसका जो आंसर है वो है सी आपराधिक मानव शास्त्र। ओके और ये जो है इसका आंसर है क्रिमिनल यानी कि बी। ओके नेक्स्ट चलते हैं लाइट इफेक्टर।
यानी पॉलीग्राफ जो है इन्वेस्टिगेशन खोजी प्रक्रिया होती है। ओके नेक्स्ट जो चलता है इसका है लैटिन, लैटिन शब्द से लिया था डिस्क्वायरेंसी, इसका शब्द का मतलब है डिस्क्वायर से लिया था, ओमिट इसका मतलब होता है। ओके गैंग के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था किसने किया था, थ्रेसर ने। ओके अपराध सामान्य और कार्यात्मक दोनों हैं, देखिए इसका आंसर होगा दुर्खिम, किसने कहा था, दुर्खिम ने। पहला देश जिसने इच्छा मृत्यु को वैध किया था, किसने किया था, यह नीदरलैंड। सफेद पोश अपराधी कौन से होते हैं, ऊंची हैसियत वाले, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत से लोग जो है पैसा ले लेकर बाहर विदेश चले गए, वो ऊंची हैसियत रखते हैं, यानी कि अमीर लोग जो होते हैं उनकी बात कह रहे हैं। अपराध शास्त्र के पिता कौन से, लैम्ब्रोशो, कौन थे, लैम्ब्रोशो। आपका जो इसका आंसर होगा एंटीवायरस की को सुरक्षा के लिए, वायरस की मतलब कौन सा साइबर अपराध नहीं है, एंटीवायरस डालना इंस्टॉल करना कोई अपराध नहीं होता, ये अपनी नीड के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है, इसे आप परचेज करके भी कर सकते हैं। मगर डाटा सेफ्टी, अगर डाटा थीव यानी कि डाटा चोरी का मतलब चोरी करना, यानी कि बिना परमिशन के किसी के इजाजत के बगैर आप उसे डाटा को निकाल लेना, और जालसाजी यानी कि कोई भी षड्यंत्र करके आप उसे डेटा सिस्टम की क्षति यानी डेटा को डैमेज करना, इस सारे के सारे जो है ये अपराध हैं। ओके भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। अपराध का कारण होता है, देखिए इसमें देखो मद्यपता यानी कि एल्कोहल में होता है, वंशानुपात, हेरिडिटी, ये दोनों ऑप्शनों में मुझे कन्फ्यूजन, इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, बट मेरा ऑप्शन बी है, आप अपना सेलेक्ट करिएगा क्या हुआ है, ठीक है, मेरे डाउटेबल क्वेश्चन है। मानव तस्करी एक रूप है, मानव तस्करी एक रूप है कौन सा, संगठित अपराध। ओके दंड संहिता, ये जो है इसका आंसर होगा दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिवेक्षी, इसका आंसर है बी 360। किशोर अपराधी के लिए अधिकतम सजा कितनी होती है, 3 ईयर। ओके नाबालिग अपराधी के परीक्षण किस अदालत के लिए समक्ष किया जाता है, एक विशेष अदालत के लिए, पुरानी, वैसे इसका इसके लिए जुबिलियन जो हमें कोर्ट बनाया जाता है, बट इसमें है नहीं जुबिलियन का ऑप्शन, तो एक विशेष जो है न्यायालय रखेंगे। पुरानी अंग्रेजी विधि के अनुसार, पुरानी अंग्रेजी विधि के अनुसार ये डाउटेबल क्वेश्चन है, ये मैंने ड्रॉप किया है, पुरानी अंग्रेजी विधि यानी कि डोंट डिफाइन सेशन कौन सा सेशन है क्या है, तो इसलिए जो है हमने इसे ड्रॉप किया है। तथ्य की भूल भारतीय दंड संहिता किस धारा में है, ये जो है आपका 76 में है। तो ये थे 100 क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपको जो भी आपका स्कोर बना है वो आप हमें बताएंगे कि हमारा सर इतना स्कोर है, और उसी स्कोर के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि हमारा आंसर की कितना सटीक है। तो इसी तरीके की वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स। बहुत जल्द मैथमेटिक्स एंड लॉ की सीरीज में अपलोड करने वाला हूं, लॉ का स्टडी मटेरियल भी आपको दूंगा। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो टॉपिक होंगे उनको अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।